हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 20 है एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ जावा 8। सो इस वीडियो में भी बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के ही टर्मिनल ऑपरेशन के ही बारे में। तो ये भी हमारा टर्मिनल ऑपरेशन का ही कंटिन्यूएशन वीडियो होगा और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रीम्स क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा स्ट्रीम्स कम्प्लीट होगा, मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जावा 8 क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमें, हाँ, और हमने पहले क्वेश्चन पहले इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई कस्टम क्लास हो तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैंने तो हम इस चीज़ को देखते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फाइंड द एम्प्लॉय। ठीक है, पहले मैं स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेने की सोच रहा था पर एम्प्लॉय ज़्यादा फिट बैठता है। ठीक है, तो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फाइंड द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मिनिमम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक एम्प्लॉय का मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊँगा और हमारे पास दो एट्रीब्यूट होंगे, डेटा मेंबर होंगे, एक एम्प्लॉय का नाम होगा और उससे रिलेटेड उसका सैलरी होगा। और फिर हम चीज़ों को और समझेंगे कि कैसे कैसे हम उसका सैलरी मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, कैसे और भी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं। तो मैंने लिखा एम्प्लॉय, ठीक है, लेट मी रिमूव दिस अनवांटेड कोड। तो इसके पास दो मेथड्स, दो एट्रीब्यूट्स होंगे, इट विल बी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। वाई प्राइवेट, बिकॉज इनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है, सो वी शुड मेक आवर डेटा मेंबर प्राइवेट। और सॉरी, प्राइवेट एंड देन डबल सैलरी विल बी इन डबल, राइट, प्राइवेट डबल सैलरी, लेट इट मेक कैपिटल डी सो दैट वी कैन कंपेयर, राइट। और एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, मैं इसका आईडी भी बना लेता हूँ। सो मैं सिंपली लिखता हूँ इंट ईएमपी आईडी, ठीक है, इसके गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं। सो आई विल गो टू सोर्स फिक्स कोड, नॉट फिक्स कोड, ऑर्गेनाइज इंसर्ट कोड, राइट, देन गेटर सेटर, उसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ सोर्स। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं बनाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर मैं तीनों चीज को लेना चाहता हूँ, ठीक है। और एक टू स्ट्रिंग भी बना देते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं प्रिंट करूं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग ना कॉल होकर हमारा स्टूडेंट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल हो जाए। सो दिस विल बी आवर टू स्ट्रिंग, ओके। तो ये हमारा एम्प्लॉय क्लास बन के रेडी है। तो इसमें हम ले रहे हैं आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ ईएमपी लिस्ट इज इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। आप एम्प्लॉय का लिस्ट, एम्प्लॉय के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना के आप एरे लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। सो आई जस्ट राइट न्यू एम्प्लॉय। तो सबसे पहले मैं दूंगा एम्प्लॉय का नाम, सॉरी आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम दूंगा, सो लेट्स से राजेश, एंड देन उसकी सैलरी दूंगा लेट्स से 40,000, ओके। और इसी चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मान लो कि मैं 5 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसकी आईडी 2 हो जाएगी, इसकी आईडी 3, इसकी आईडी 4, इसकी आईडी 5, देन मिलर, देन इट कैन बी रोहित, देन इट विल बी लेट्स से नीलेश, इट विल बी लेट्स से कृतिका, ओके। सैलरी मैं इस टाइप से करता हूँ 60,000, 90,000, नॉट 90, इट्स 80,000, इट शुड बी 70,000, इट शुड बी 85,
और लेट्स से 75 एंड दिस इज लेट्स से 77 एंड दिस इज लेट्स से हाउ मच एनीथिंग लेट्स से 72 ओके और या 72 शुड बी फाइन। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ, व्हाट इज़ द इशू। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डबल। ओके जस्ट लेट मी एट 0.0 बिकॉज हमने वहाँ पे डबल रैपर क्लास का यूज़ किया है। ठीक है, क्यों किया है उसका मैं रीज़न बताऊँगा। आप चाहते तो सिंपल डबल भी कर सकते थे, पर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एम्प्लॉई हुज सैलरी इज मिनिमम। अब मिन जो मेथड था ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ रखा है, बस उसी का ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मिन क्या है, मिन क्या लेता है, कंपैरेटर लेता है ना, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ईएमपी लिस्ट का मैं स्ट्रीम बना लूँ और इस पर मेरे को क्या करना है, मिन चलाना है। राइट, इस पर हमें मिन चलाना है। अब ये एक कंपैरेटर लेगा, ये क्या लगेगा, कंपैरेटर लगा। तो कंपैरेटर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो हम कंपैरेटर डिफाइन कर लेते हैं। ये कंपैरेटर सिंपली लेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, सॉरी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंपैरेटर, इसको सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, न्यू कंपैरेटर। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये हमें अब हम कंपैरेटर के पास हमने पढ़ा था कि इसके पास है कंपेयर नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, क्योंकि ये फंक्शन इंटरफेस है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ओवरराइड कर देता हूं। ठीक है, तो अनवांटेड कोड मतलब जो प्री रिटेन कोड था उसको मैंने रिमूव कर दिया और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवन का, अब देखो मुझे क्या करना था, मुझे सैलरी के बेस पे क्या करना है, चीज़ों को सॉर्ट करना है। तो मैं ओवन का क्या करूँगा, ओवन डॉट गेट सैलरी। ठीक है, अब हर एक रैपर क्लास के पास या हर एक प्री डिफाइंड क्लासेस के पास उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कंपेयर टू को क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट करा हुआ है। तो डबल मैंने इसीलिए लिया ताकि डबल एक रैपर क्लास है और इसने भी कंपेयर टू को क्या कर रखा है, सॉरी इसके पास भी एक कंपेयर टू नाम का मेथड होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल डबल लेते तो डबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाता है और उसके पास कंपेयर नाम का मेथड नहीं होता। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डॉट कंपेयर टू और फिर मैं ओ टू का जो सैलरी है ये मैं पास कर दूंगा। ठीक है, ये कंपेरेटर कंपेरेबल ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंपेरेटर कंपेरेबल वाले वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसको ये सैलरी के बेस पे क्या कर देगा, सॉर्ट करेगा। ठीक है, ये जो कंपेरेटर है ये क्या करेगा, एम्प्लॉय का जितना भी ऑब्जेक्ट है, हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा सेंडिंग ऑर्डर में, किसके बेस पे, सैलरी के बेस पे। तो अब आप एक बात बताओ, अब इसके चलने से ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हमारा सॉर्ट हो जाएगा और सबसे जो जिसका जो लोवेस्ट सैलरी होगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये कृतिका विल बी द लास्ट वन आई थिंक। ओके, सो लेट मी मेक दिस, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मैं बीच वाले को किसी को मैं वो करता हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 70 कर देता हूँ और कृतिका को मैं 75 कर देता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अब कौन आ जाएगा, किसके बेस पे सॉर्टिंग हो रहा है, तो सैलरी के बेस पे, तो रोहित आ जाएगा सबसे कम सैलरी वाला, उसके बाद राजेश एंड आफ्टर दैट कृतिका एंड आफ्टर दैट मिलर एंड देन नीलेश। ओके, तो ये मिनिमम हमने कर लिया। अब ये जो आपको रिटर्न करेगा ये क्या, मिनिमम आपको क्या रिटर्न करता है, ऑप्शनल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सेस कर लेते हैं अपने ऑप्शनल। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें स्टूडेंट का डेटा देगा, सॉरी एम्प्लॉय का डेटा देगा। ठीक है, मिनिमम सैलरीड एम्प्लॉय। ओके, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूटिल से।
अब मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, पूछ सकता हूँ, आप बिना इफ प्रेजेंट लगाए हुए भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो अगर आपको मालूम है, पर हाँ नल पॉइंटर से बचने के लिए ये हमें पूछ लेना चाहिए कि भाई प्रेजेंट हो कि नहीं हो, ठीक है। या हमारे पास एक और तरीका है, आप चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है इफ प्रेजेंट के बारे में, अब हम थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं। इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट तभी आप क्या करो, मिनिमम को गेट करो डॉट और एल्स, सपोर्ट नहीं कर रहा क्या ये, एक मिनट, डॉट इफ प्रेजेंट प्रिंट एल एन डॉट, ये और एल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इफ प्रेजेंट का रिटर्न टाइप क्या है एक बार मैं देख लूं, ओके वॉइड है, सो दैट्स द रीजन। ओके तो ये भी आपके पास एक तरीका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये आपको दिखा देगा कि रोहित जो इम्प्लॉई है इसका जो सैलरी है ये काफी कम है, ठीक है। आप ये भी एक तरीका है, आप ये इफ प्रेजेंट क्या लेता है, कंज्यूमर लेता है, और जो हमारे पास जो डेटा है उसको ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, जो हम ऑलरेडी यूज करते आए हुए हैं, मीन सैलरी। तो सबसे पहले मैं इसको इफ कंडीशन के अंदर रखूंगा, इफ मीन सैलरी अगर प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट है ना, तो हम क्या करेंगे सिंपली उसको गेट करके और हम क्या कर देंगे उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो मीन सैलरी डॉट गेट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्टूडेंट कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा इंप्लॉय जिसके पास जिसका सैलरी सबसे कम है ये हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर आपको वैसा वैसा इंप्लॉय चाहिए जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा हो, उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट आपको मैक्स को क्या कर देना है, कॉल कर देना है, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ मीन आई एम जस्ट राइटिंग मैक्स, यहाँ पे आपको सिंपली मैक्स लिख देना है, कंपैरेटर हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको मैक्स लिख देना है, यहाँ पे भी आपको मैक्स, ठीक है। तो पहले वाले में ये क्या प्रिंट करेगा, रोहित का डेटा, और दूसरे वाले में ये प्रिंट करेगा नीलेश का डेटा, ठीक है। तो रोहित के रोहित जिसकी जिसकी सैलरी काफ़ी कम है, मतलब कंपेरेटिवली कम है, और नीलेश की सैलरी जो कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज जो हमारे पास क्लासेस होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, कंपेरेटर की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को इतना नहीं लिखना था, चूंकि हम लोग ऑलरेडी जावा 8 पे काम कर रहे हैं और लैम्डा पे काम कर रहे हैं, तो इतना हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अब हम जानते हैं कंपेरेटर के पास कंपेयर टू होता है, तो कंपेयर मेथड होता है, तो इसका जो रियल जो डेटा है बस इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और इसकी जगह पे मैं सिंपली क्या लूँगा, O1 O2 ले लूँगा, O1 O2, और यहाँ पे बस ये मैं पास कर दूँगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, तो ये पूरा का पूरा जो मीन है, यहाँ मैक्स में भी मैं सेम चीज़ को कर दूँगा, क्लियर है। अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ तो अभी भी आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फायदा है लैम्डा को डायरेक्ट यूज करने का, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा मीन के बारे में, जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूएशन था पिछले लेक्चर का। अब हमारे पास जो 9th नाम का जो मेथड है, जो कि हमारे पास टर्मिनल ऑपरेटर मेथड है, फाइंड फर्स्ट क्या करता है कि सबसे पहले आप इसका प्रोटोटाइप देखो, फाइंड फर्स्ट ऑप्शनल, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड फर्स्ट बेसिकली आपको क्या करेगा कि जो भी हमारे पास जो भी इस चीज से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा अगर मिल गया, मतलब ये क्या लेगा, ये आर्गुमेंट लेगा कुछ, और उससे रिलेटेड उससे मिलता जुलता अगर कोई भी डेटा इसको मिल गया तो ये उसको क्या कर देगा, सिंपली रिटर्न कर देगा। सो फाइंड फर्स्ट भी हमारा एक टर्मिनल ऑपरेटेड भी क्या है, मेथड है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। तो फाइंड फर्स्ट क्या करेगा
कि कोई भी हम चीज़ देंगे उसमें से अगर फाइंड फर्स्ट, मतलब अगर उसमें बेसिकली ये क्या करेगा कि हमारे पास जितने भी डेटा हैं सिंपल, उसमें से जो भी फर्स्ट डेटा होगा इसको ये क्या कर देगा, सिंपली रिटर्न कर देगा, दैट्स ऑल, है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया इसको सेव एज कर लेता हूँ, एंड दिस विल बी आवर क्लास टू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ मैं क्या करता हूँ रिमूव कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझो फाइंड फर्स्ट के बारे में। इसका मैं नाम देता हूँ क्लास टू। फाइंड फर्स्ट को क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट इंप्लॉय हुज लेंथ ऑफ नेम इज 6। ठीक है, इसके पहले हम समझते हैं कि फाइंड फर्स्ट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रीम बनाता हूँ सिंपल इंटीजर का। सो मैं इस बार ऑफ से ही बना लेता हूँ सिंपल, मैं लिखता हूँ 3, 4, 2, 4, 1। ठीक है, अब ये स्ट्रीम हमारा बन गया, ये स्ट्रीम हमारा बना किसका, इंटीजर का। मैं सिंपली ले देता हूँ इंट स्ट्रीम, क्लियर है। अब मैं स्ट्रीम पे क्या कर सकता हूँ, फाइंड फर्स्ट को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और फाइंड फर्स्ट भी हमें क्या रिटर्न करके देता है, ये भी हमें ऑप्शनल ही रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट, अब ये ऑप्शनल में मैंने इसको क्या कर लिया है, रख लिया है ऑप्शनल। ये क्या हमें रिटर्न करके देगा, बेसिकली एक इंटीजर ही देगा। ठीक है, मतलब इंटीजर का ही हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैं लिखता हूँ इंट ऑप्शनल, और फिर मैं क्या करता हूँ सिंपली मैं पूछ लेता हूँ कि अगर इंट ऑप्शनल अगर है तो सिंपली मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। अब आप देखना जो ये फाइंड फर्स्ट है ये एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रहा है, सॉरी 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 डॉट गेट। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको रिटर्न करेगा 3। क्यों 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इस वाले स्ट्रीम में सबसे पहला एलिमेंट इसको क्या मिला, सबसे पहला एलिमेंट इसको 3 मिला। तो मैंने वहीं बोला कि जो भी एलिमेंट पहला इंडेक्स पे प्रेजेंट है स्ट्रीम के, मतलब स्ट्रीम इंडेक्सिंग नहीं होता, स्ट्रीम में जो भी पहला एलिमेंट है उसको ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देता है एज ए ऑप्शनल। दैट्स ऑल, फाइंड फर्स्ट का बस यही काम है, क्लियर है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड फर्स्ट इंप्लॉई हुज लेंथ ऑफ नेम इज 6। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इसमें से पहला कौन सा ऐसा इंप्लॉई है जिसका नेम, जिसका नाम 6 लेटर का है, RAJESH, ये हमारा 6 लेटर का है। एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, लेट्स से ऋतिक। ओके, सो ऋतिक का जो नाम है ये 5 लेटर का है, लेकिन मिलर जो है ये 6 लेटर का है ना। तो पहला ऐसा कौन सा एलिमेंट मिला जो 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 हमारा 6 लेटर का है, तो मिलर है, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं EMP लिस्ट पे देखो फाइंड, देखो जो फाइंड फर्स्ट है ये हमेशा ये कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है, ये सिंपली ये जाएगा स्ट्रीम्स के डेटा पे, और जो भी पहला इसको एलिमेंट मिला उस स्ट्रीम में उसको ये सिंपली क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। बस फाइंड फर्स्ट का यही काम है। तो EMP लिस्ट में मैंने क्या किया, स्ट्रीम को कॉल किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे किसके बेस पे, लेंथ के बेस पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली नेम पे क्या करूँगा, नेम डॉट लेंथ ओके नेम डॉट व्हाट इज हैपनिंग सॉरी सॉरी ओके सो दिस इज बेसिकली एम्प्लॉय राइट। सो EMP का मैं एक एक ऑब्जेक्ट लूंगा, सो EMP डॉट गेट नेम, और इस नेम को मैं चेक करूंगा कि इसका जो लेंथ है अगर ये 5 है या 6 है तो ही क्या करो, तो ही क्या करो उसको इस स्ट्रीम में रखो। अब हमारे पास ये स्ट्रीम आ गया है, ये स्ट्रीम किसका है, ये स्ट्रीम है इम्प्लॉय का। ठीक है, तो मैं EMP स्ट्रीम ले देता हूँ। अब इस EMP स्ट्रीम में कौन सा डेटा होगा, इस स्ट्रीम में वही डेटा होगा जिसका लेंथ, जिस इम्प्लॉय का लेंथ क्या होगा, 6 होगा। तो इस स्ट्रीम में हमारे पास मिलर वाला डेटा होगा, नीलेश वाला डेटा होगा, और बस यही दो।
क्योंकि कृतिका का जो लेंथ है ये है 3 3 6 7, तो सिर्फ मिलर और लिनेस का ही नेम का जो लेंथ है वो 6 है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास दो ही डेटा होगा। इसको प्रिंट करके हम देख लें, देख सकते हैं। सो मैं सिंपली फोर इंच लगा देता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ इसको। तो कृतिका का डेटा क्यों आ रहा है? सॉरी, इट शुड बी ईएमपी स्ट्रीम, राइट? रन करते हैं इसको, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास दो ही डेटा आ रहा है, मिलर और नीलेश का, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, फोर इंच, अब इसको हटा देते हैं, नहीं तो हम आगे इस पर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि इस इम्प स्ट्रीम पे अब इसमें सिंपली लिखता हूँ फाइंड फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, ये अब जो हमारे पास आउटपुट आया था, ये आउटपुट क्या था? मिलर और नीलेश। अब इसमें से जो पहला आउटपुट है ये किसका है? मिलर का। तो ये हमें मिलर का आउटपुट क्या कर देगा? सिंपली रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको ऑप्शनल में ले लेता हूँ, एम्प्लॉय OPT EMP में लिख देता हूँ। हाँ, OTP नहीं है ये, OPT ऑप्शनल एम्प्लॉय, ओके। और सिंपली मैं चेक कर लूँगा, इफ ऑप्शनल एम्प्लॉय अगर प्रेजेंट है तो भाई प्रिंट कर दो उसका डेटा, ठीक है। तो मैं सिंपली बोल दूँगा OPT EMP.get, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं रन करूँगा तो आपको जो डेटा मिलने वाला है दैट विल बी नीलेश, सॉरी मिलर, क्योंकि मिलर हमारा फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रीम का डेटा था, क्लियर हो गया। तो ये है हमारा फाइंड फर्स्ट। फाइंड फर्स्ट बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे पास स्ट्रीम्स में जो डेटा है उसमें से पहला डेटा को सिंपली ये क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फाइंड फर्स्ट का एजेंडा क्लियर हो गया। अब हमारे पास है सम। सम सम भी ये क्या है? टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड है। तो इसके बारे में काफ़ी इजी है, सम, एवरेज और मैप टू इंट, ये तीन चीज़ हम देख लेते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा लिस्ट है और आप उसका सम करना चाहते हो, मतलब बहुत सारा एलिमेंट, इंटीजर का एलिमेंट है जो कि एक लिस्ट में या स्ट्रीम में है, उसका आप सम करना चाहते हो, तो ये चीज़ आप कैसे करोगे? अब ये जो सम नाम का जो मेथड है ना, ये सिर्फ इंट स्ट्रीम पे ही काम करेगा, ये स्ट्रीम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सम नाम का जो मेथड है ये इंट स्ट्रीम का ही क्या है? मेथड है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंट स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, ना कि स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ना कि स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट फाइल पे, class 3, ठीक है। ये सब कुछ मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, चल। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एरे बनाता हूँ, आप चीज़ों को देखिए। तो मैं एरे बना लिया, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये हमारा एरे बन गया। अब इस एरेज को मैं क्या करूँगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लूँगा। अब ये स्ट्रीम हमें क्या रिटर्न करके देगा? ये हमें स्ट्रीम रिटर्न करके देगा, ओके, ये वाला। ये क्या ले रहा है? ये इंटीजर का एरे, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप का एरे ले रहा है, और ये वाला जो ले रहा है ये कस्टमाइज्ड क्लास का एरर ले रहा है, ठीक है। तो ये हमें प्रिमिटिव, अभी हमारे पास जो इंट ARR है, ये ARR प्रिमिटिव डेटा टाइप कह रहे हैं, तो हमें ये वाला ओवरलोडेड मेथड को कॉल करना होगा, ठीक है। अब ये जो हमें रिटर्न करके देगा, ये हमें इंट स्ट्रीम रिटर्न करके दे रहा है, इंट स्ट्रीम। मैं सिंपली लिख देता हूँ इंट स्ट्रीम, ठीक है। इंट स्ट्रीम को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास इंट स्ट्रीम पे हम क्या कर सकते हैं, हम सम को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब ये हमें सम रिटर्न करके देगा इंट, क्योंकि ये इंट स्ट्रीम पे ही कॉल हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट हमें इंटीजर रिटर्न करके दे रहा है, इंट रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सम हो गया। अब अगर मैं इस सम को प्रिंट करूँ, ठीक है, अगर मैं इस सम को प्रिंट करूँ तो ये हमें डेटा दे देगा, तो ये हमें प्रिंट करके देगा 15, क्लियर है। तो मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसको क्या करेगा, ये सिंपली सम कर देगा। अब इंट स्ट्रीम ही क्यों, क्या मैं स्ट्रीम पे यूज कर सकता हूँ? तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रीम बनाता हूँ,
स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, और मैं सिंपली स्ट्रीम डॉट ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, और 2, 3, 4, 5 लिख लेता हूँ। क्लियर है? क्या हो गया? ओके ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रीम पे मैं सम को देखना चाहता हूँ। क्या हमारे पास सम है क्या इस स्ट्रीम के पास? नहीं है। तो ये जो सम नाम का मेथड है ये इंट स्ट्रीम के ही पास है। इंट इंट स्ट्रीम के अलावा हमारे पास लॉन्ग स्ट्रीम भी है, उसके अलावा हमारे पास एक और है, आई थिंक डबल स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये तीन से हमारा काम हो जाता है, बाकी इसके अलावा कोई स्ट्रीम हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको डबल वैल्यू पे काम करना हो तो आप डबल स्ट्रीम यूज़ कर सकते हो, आपको इंटीजर या लॉन्ग पे काम करना हो तो इंट स्ट्रीम या लॉन्ग स्ट्रीम का क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो आप यहाँ पे तो सिंपल जो आपके पास जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम क्लास के पास सम नाम का मेथड नहीं है, इंट स्ट्रीम के पास मेथड है, लॉन्ग स्ट्रीम के पास ये मेथड है, और डबल स्ट्रीम के पास ये मेथड है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग स्ट्रीम का थोड़ा सा एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग स्ट्रीम लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ लॉन्ग स्ट्रीम इज इक्वल टू एरेज डॉट स्ट्रीम। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या पास कर रहा हूँ, मैं कोई लॉन्ग वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 1.1L लिख सकता हूँ, देन मैं 2L लिख सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? एरेज डॉट स्ट्रीम ओके ठीक है। अब सिंपली आप क्या करो, आप एस आउट कर लो, अभी हमें लॉन्ग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली लिखता हूँ लॉन्ग स्ट्रीम डॉट सम, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखो, ये आपको लॉन्ग रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको अगर आप ऐड करो तो ये आपको आंसर दे देगा 3, ये आपको आंसर दे देगा 3। क्लियर है? उसी तरीके से आप डबल स्ट्रीम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आप सम का यूज आपने समझा कि सम किस टाइप से काम करता है और कहाँ पे ये काम करता है। ये सिंपल स्ट्रीम पे काम नहीं करता क्योंकि स्ट्रीम का ये मेथड ही नहीं है, तो आप वहाँ से कॉल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सम नाम का मेथड किस किस के पास है, तो इंट स्ट्रीम के पास है, लॉन्ग स्ट्रीम के पास है, और डबल स्ट्रीम के पास है। ठीक है, द सम वे वी हैव एवरेज ऑल्सो। सो एवरेज भी क्या है, एवरेज भी हमारे पास इंट स्ट्रीम के पास है, डबल के पास है, और लॉन्ग के पास है, बाकी आपको सिंपल स्ट्रीम पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप अगर मैं इसका अगर एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये कैसे होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, आप इस इंट स्ट्रीम पे क्या कर दोगे, इंट स्ट्रीम पे आप एवरेज कर कैलकुलेट कर दोगे। अब ये ऑप्शनल हमें रिटर्न करता है, ठीक है, ये हमें ऑप्शनल रिटर्न करता है, ध्यान से आप समझिएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। तो एक मिनट, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शनल डबल रिटर्न करता है, और इसको मैं एक रेफरेंस में रख लेता हूँ सिंपली, या इसको एवरेज 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 ही रख लेता हूँ इसका नाम। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। अब देखो, अब ये ऑप्शनल है ना, तो ये एवरेजिंग डबल करके ये हमें क्या करता है, एक मेथड है इसके पास, ओबीजे डॉट सॉरी गेट एज डबल, क्योंकि गेट हमारे पास क्या था, अगर हम सिंपल ऑप्शनल से अगर हम मेथड कॉल करते, अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास गेट नाम का मेथड था, यहाँ पे हम ऑप्शनल डबल है तो हम गेट एज डबल करेंगे। ठीक है, तो ये हमें डबल रिटर्न करके देगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आपको जो एवरेज प्रिंट होगा दैट विल बी 15/5, दैट इज 3.0। ओह प्रॉब्लम, अब बताओगे क्या इशू है, स्ट्रीम ऑलरेडी हमारा कॉल्ड हो गया है। देखो, ये जो हमारा इंट स्ट्रीम है ये ऑलरेडी इस पे क्या हो गया है, एक टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड का हमने यूज कर लिया है। अब चूंकि हमने यूज कर लिया तो इस इंट स्ट्रीम को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्ट इसको कॉल करो। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ इंट स्ट्रीम वी कैन यूज दिस।
ठीक है, आप समझ रहे हो। तो अभी अगर मैं इसका डबल कैलकुलेट करूँ सो इट विल बी 3.0, क्लियर है। अब सेम वे हमारे पास जो हमारा जो एवरेज मेथड है, ये इंट स्ट्रीम के साथ साथ लॉन्ग स्ट्रीम और डबल स्ट्रीम पे भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हर बार हम तो इंट स्ट्रीम यूज़ करेंगे नहीं, हर बार हम डबल स्ट्रीम लॉन्ग स्ट्रीम तो यूज़ करेंगे नहीं। अगर हमारे पास स्ट्रीम्स ऑफ इंटीजर है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है मैप टू इंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझा, ओके। अब हम समझते हैं लास्ट मेथड टर्मिनल का, मैप टू इंट। अब ये मैप टू इंट हमें रिटर्न करके देता है इंट स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रीम्स पे इंट इस स्ट्रीम्स के डेटा पे अगर आपको कुछ सम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्ट्रीम्स को इंट स्ट्रीम या फिर लॉन्ग स्ट्रीम या फिर डबल स्ट्रीम में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट स्ट्रीम के लिए आपको मैप टू इंट, डबल के लिए मैप टू डबल, और इसके लिए लॉन्ग के लिए मैप टू लॉन्ग आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपल मैप टू लॉन्ग को, मैप टू इंट को हम यूज़ करते हैं, और बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने सिंपली क्या लिखा, तो मैं क्या करता हूँ एक नया क्लास बनाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो मैंने सिंपली फोर लिखा, और मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव करके, ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ। और इस बार मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर था, ठीक है, या फिर आप स्ट्रीम को डायरेक्ट उस टाइप से भी बना सकते थे, नॉट एन इशू। सो मैं इन ये इंट ऑफ लिस्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो रेगुलर जो फ्लो होता है उसी टाइप का होता है, लिस्ट में हमारे पास डेटा होता है, सेट में होता है ना। बहुत कम केस में हम स्ट्रीम्स डॉट ऑफ करके हम प्रिमिटिव टाइप का एरे और उसको इंट स्ट्रीम बनाओ, है ना। तो अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, वन मैं लिख देता हूँ, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, और इससे मैंने क्या बनाया, इससे मैंने इस इंट लिस्ट से मैंने बनाया स्ट्रीम। सो दिस विल बी आवर स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, सिंपल है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। तो इसको मैं लिख देता हूँ इंट स्ट्रीम। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं सम निकालूँ, तो आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं इंट स्ट्रीम पे, अगर सॉरी इंट स्ट्रीम पे अगर मैं चेक करूँ सम, तो सम मेथड है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा मैप टू इंट का, और ये हमें रिटर्न करके देता है इंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो ये मैप टू इंट, अब मैप टू, देखो मैप टू डबल मैंने बताया आपको, मैप टू लॉन्ग बताया, मैप टू इंट, हम मैप टू इंट का यूज़ कर रहे हैं। मैप टू इंट अपने में टू इंट फंक्शन लेता है, ठीक है। हमने फंक्शन पढ़ा था ना, हमने प्रीडिकेट पढ़ा था कंज्यूमर सप्लायर, उसमें हमने फंक्शन पढ़ा था, उसी टाइप से हमारे पास टू इंट फंक्शन भी होता है ना। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक डेटा को लेता है और उसको मैप करके फिर वही डेटा क्या कर देगा, सेम डेटा आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या करता है, ये एक डेटा लेता, जैसे हमारे पास कोई इंटीजर का कोई भी एक डेटा को लेगा, और इसी डेटा को ये क्या कर देगा, सिंपली रिटर्न कर देगा, और ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा इंट स्ट्रीम में। तो अब ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को उठा रहा है, पहले वन को उठाएगा, टू को उठाएगा, थ्री को उठाएगा, फोर को उठाएगा, फाइव को उठाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एक एक डेटा को रिस्पेक्टिवली ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इंट में, और ये हमें रिटर्न करके दे रहा है इंट स्ट्रीम, इंट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया किसका, इंट स्ट्रीम का। अब चूंकि हमारे पास इंट स्ट्रीम आ गया है, तो आप सिंपली क्या कर लो, इस रेफरेंस के थ्रू आप सिंपली सम को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। अभी जो आपका आउटपुट आएगा दैट विल बी 15। तो आपको पता चला कि आपको सिंपल स्ट्रीम को कैसे इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मैप टू इंट, क्लियर है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है कि आप सिंपल स्ट्रीम को पे आप सम को कैसे कॉल करोगे, इंटरमीडिएटली आप क्या करोगे, पहले उसको मैप टू इंट में कन्वर्ट करोगे, मैप इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ मैप टू इंट मैथड, ठीक है। तो ये हमने सम कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ इवन नंबर। तो मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रीम है, अब इसमें इवन नंबर कौन कौन से है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही इवन नंबर है, 2 और 4, तो इसका सम कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो हमें ये डेटा हमें क्या करना है, लाना है, मतलब हमें 6 प्रिंट कराना है। तो ये कैसे होगा, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा और फिर उस पर सम लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ,
चूंकि हमारे पास इंट स्ट्रीम ऑलरेडी है, तो मैं इस इंट स्ट्रीम पे सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, एक तो फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगा के सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कौन सा नंबर इवन है। तो मैं नंबर पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि नंबर मेरा 2 से अगर डिविजिबल है तो ये इवन हो जाएगा। अब ये जो हमें जो स्ट्रीम रिटर्न करके देगा, ये स्ट्रीम में बताओ क्या होगा, डेफिनेटली इंटीजर ही होगा। और इसका क्या मैं नाम बोल सकता हूँ कि इवन स्ट्रीम? हाँ, क्योंकि इसमें जो हमारे पास डेटा होगा दैट इज इवन स्ट्रीम। अब इस इवन स्ट्रीम पे, अब इस इवन स्ट्रीम में कितने डेटा होंगे, सिर्फ 2 होंगे, दैट इज 2 एंड 4। अब मैं इस पे क्या करूँगा, सिंपली मैं मैप टू इंट कॉल करूँगा। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मैप टू इंट कॉल किया तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, मतलब एक एक को सबसे पहले मैं इंट में कन्वर्ट, इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके अब ये हमें इंट स्ट्रीम दे दिया, ठीक है। अब इस पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपली सम को कॉल कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमें क्या कर देगा, इंट ऑफ सम इवेंट कर देगा, सम ऑफ इवेंट, ठीक है। और इस सम ऑफ इवेंट को मैं प्रिंट कर लूंगा, सो सम ऑफ इवेंट नंबर इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं सम ऑफ इवेंट को क्या कर लूंगा, सिंपली सॉरी सम इवेंट, ओके। क्या हमने यहाँ पे यूज किया है इंट स्ट्रिंग को, ठीक है, मैप टू इंट, ओके। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें एक्सेप्शन देगा, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको, क्या गया, एक्सेप्शन आ गया, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। आप रीजन बता पाओगे, डेफिनेटली ये जो इंट स्ट्रीम है, अब मैप टू इंट किस टाइप का मेथड है, मैप टू इंट टर्मिनल मेथड है। तो ये देखो, टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड को हमने ऑलरेडी कॉल कर लिया है इस इंट स्ट्रीम पे। तो अब क्या मैं इस इंट स्ट्रीम को मैं यूज कर सकता हूँ दोबारा? नहीं कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड दैट्स द रिजल्ट इज इट इज थ्रोइंग दिस इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट नया एक स्ट्रीम बना लो, ठीक है। तो मैंने नया स्ट्रीम बना लिया, अब आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आपको आंसर आएगा सम ऑफ इवेंट नंबर, हमारे पास 2 ही इवेंट नंबर था, 2 और 4, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 + 4 दैट विल बी 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 6, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रीम पे सबसे पहले क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर डेटा को हमने ले लिया। अब उस फिल्टर डेटा में सिर्फ हमारे पास 2 ही डेटा है, 2 और 6। अब चूंकि ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर है तो अभी भी इस पे हम सम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं। तो अब इस स्ट्रीम पे हमने क्या किया, हमने मैप टू इंट को कॉल कर लिया। अब ये हमें इंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। अब चूंकि हमारे पास इंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अब हम उसके उस पे हम क्या कर सकते हैं, सम को कॉल कर सकते हैं और हम सम उसका प्रिंट करा सकते हैं। द सेम वे अगर आपके पास लॉन्ग डेटा टाइप है या डबल डेटा टाइप है, तो उस चीज़ को भी आप विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्ट्रीम एंड डबल स्ट्रीम आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा स्ट्रीम्स, और यहीं पे हमारा जावा 8 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, जावा 8 में और भी बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पर मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी नया प्रॉब्लम, कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नया थियरी आता है, तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आराम से आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा जावा 8 टोटली कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।